देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। जनपद मैनपुरी में लॉकडाउन के चलते एसपी अजय कुमार पांडे ने लोगों से अपील की है कि जिस तरह से अभी तक नगरवासियों ने घरों में पूजा पाठ कर जिला प्रशासन का सहयोग किया है, ठीक इसी तरह आगे भी सहयोग करते रहें। इसके साथ ही ईद के त्योहार पर अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करें, शांति बनाए रखें। आइए देखिए एसपी अजय कुमार पांडे ने और क्या कुछ बताया। हमारे सभी मैनपुरी जनपद वासियों को ईद के आने वाले त्योहार पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपको यह बताना है कि जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हैं, और इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जिसमें भीड़ जमा होती है, जमात इकट्ठी होती है, उसको वर्जित किया गया है। उसी के मद्देनज़र जैसा कि आप लोगों ने किया कि जुमा अलविदा की नमाज भी लोगों ने घरों में पढ़ी है, इसी तरह से जितनी भी जुमा की नमाजें अता हुई हैं सभी घरों में अता की गई हैं, कहीं भीड़ नहीं लगाई गई है। उसी तरह से आने वाले ईद उल फित्र की नमाज भी अपनी पूरी अकीदत के साथ घरों में ही अता करें, मस्जिदों में नमाज नहीं अता करें। जिन लोगों की रिहाइश मस्जिदों में है वो लोग दो चार जो भी होंगे वो मस्जिद में नमाज अता कर सकते हैं, उसके अलावा कोई बाहर से जा करके मस्जिद में नमाज अता नहीं करेगा, इसको विशेष ध्यान देंगे। ईदगाह में जा करके नमाज नहीं अता की जाएगी, इसका खासा ख्याल रखेंगे। पुलिस फोर्स लगाई गई है और बार बार आपसे अपीलें की जा रही हैं, इसका पालन नहीं करेंगे तो हमको कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारी तहे दिल से गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन की इस अपील को आप अमल करें और भीड़ लगा करके या जमात में कोई भी धार्मिक आयोजन ना करें, और आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप और आपके परिवार की तरक्की हो, खुशहाली हो, और जल्दी ही ये महामारी हमारे बीच से खत्म हो, इसी की हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।